हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंड ऑन हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। क्या कहता है बेटा कि एक सॉलिड है, किस शेप का है, कॉन स्टैंड करता है किस पे, हेमिस्फीयर पे, और दोनों की रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन कितनी है, उसकी रेडियस के इक्वल है, मींस वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। पाई की टर्म में हमें सॉलिड का क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो फिगर बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का। नीचे क्या है, हमारा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर पे क्या स्टैंड है, एक कोन स्टैंड है, और इनकी रेडियस कितनी है हेमिस्फीयर और कोन की, 1 सेंटीमीटर, और जो हाइट है किसकी, कोन की, वो भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इस पूरे के पूरे सॉलिड का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, तो रेडियस ऑफ कोन हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी 1 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³। यही होता है। तो अब हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, 1/3 πr² हमें पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, क्योंकि उसने क्या बोला है कि जो वॉल्यूम है वो किसकी टर्म में निकालना है, पाई की टर्म में निकालना है। ठीक है बेटा, सो पाई की एज इट इज़ रखेंगे हम। आर वैल्यू ऑफ आर रेडियस 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1 इंटू हाइट 1 प्लस 2/3 πr³ इज 1³। रेडियस कितनी है हमारे पास, 1 है। अब क्या हो गया बेटा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1, तो क्या रह गया यहाँ पे, पाई बाई थ्री प्लस 2/3। 2 की मल्टीप्लाई 1 के क्यूब से, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, 1 इंटू 2 2 2/3 इंटू पाई। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 3। तो पाई प्लस 2π कितना हो गया, पाई प्लस 2π 3π अपॉन 3। वी कैन कैंसिल पाई टू 3 to 3, तो आंसर इज πcm³, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, क्यूब में होता है, और यूनिट क्या थी हमारी, सेंटीमीटर। तो क्या हो गई वॉल्यूम की यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिचल एन इंजीनियर स्टूडेंट वॉज आस्क टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक सिलेंडर विथ टू कॉन्स अटैच इट इट्स टू एंड बाई यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम सीट। क्या कहता है, रिचल कोई इंजीनियर स्टूडेंट है, वो क्या करता है कि एक मॉडल बनाना चाहता है किस टाइप का, सिलेंडर की टाइप का, और उसके दोनों एंड्स पे क्या है, कोन अटैच है, उनके दोनों एंड्स पे क्या है, कोन अटैच है, बाई यूजिंग, और किसका यूज़ करते हुए बना रहा है वो मॉडल, एल्यूमिनियम सीट का यूज करते हुए वो मॉडल बना रहा है। द डायमीटर ऑफ मॉडल, जो डायमीटर है किसका, मॉडल का, वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज़ टू हाइट इज 2 सेंटीमीटर, दोनों कोनों की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रिचल मेड। क्या कहता है, जो इस मॉडल में जितनी क्या आएगी, हवा आएगी, उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। मींस वॉल्यूम का, इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, और जब कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं तो क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो
हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके दोनों एंड्स पे हमने क्या बना दिए, कोन बना दिए, ठीक है बेटा। उस मॉडल की टोटल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, जबकि कोन की लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। तो अब जो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट कितनी रह जाएगी हमारे पास, 12 में से 2 गया 10, 10 में से 2 गया 8, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है हमारे पास, 3/2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन भी क्या है, 3/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितनी आई थी बेटा, अभी 8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ। अब देखो बेटा, हम जो रेडियस ले रहे हैं किसकी, सिलेंडर की, वो हमने क्या मान ली, बिग आर मान ली, और जो कोन की रेडियस ले रहे हैं वो क्या मान ली हमने, स्मॉल आर मान ली, ठीक है। ऐसे ही हाइट ऑफ सिलेंडर हमने क्या मान ली, बिग एच मान ली, और हाइट ऑफ कोन हमने क्या मान ली, स्मॉल एच मान ली, ठीक है बेटा। कोन ऑफ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ईच कोन की जो हाइट थी वो क्या थी, 2 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मॉडल निकालना है, ठीक है बेटा। वॉल्यूम ऑफ मॉडल निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या है, एक तो सिलेंडर है और दोनों एंड्स पे क्या है, कोन्स हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × 2, क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास कितने कोन हैं, 2 कोन्स हैं, 2 × वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, अभी पाई की वैल्यू हम पुट नहीं कर रहे, पाई को एज इट इज कर रहे हैं, π × ठीक है बेटा। तो r की वैल्यू क्या थी, 3/2 थी, 3/2 × h कितना था, किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर के लिए हमने क्या यूज़ किए थे, बिग यूज़ किए थे, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, बिग आर स्क्वायर और बिग एच, ठीक है बेटा, जिससे कि हमारे दोनों फॉर्मूले में कोई मिक्सअप ना हो, उनकी वैल्यू में कोई मिक्सअप ना हो। बिग आर की वैल्यू 3/2 और बिग एच की वैल्यू 8 × 8 प्लस 2 × 1/3 × वैल्यू ऑफ पाई 3/2 × वैल्यू ऑफ आर 3/2। स्मॉल आर की वैल्यू भी क्या थी हमारे पास, 3/2 थी, वैल्यू ऑफ स्मॉल एच इज 2 सेंटीमीटर इंटू 2 एंड वैल्यू ऑफ पाई अभी हमने पुट नहीं की है, ठीक है बेटा। वी कैन कैंसिल 3 × 2 = 2 × 2 = 2 कैंसिल, यहाँ से भी हम क्या कट कर सकते हैं, 2 × 4 = 8 2 × 2 = 4 नाउ π × 3 × 3 = 9 9 × 2 = 18 18π आ गया यहाँ से प्लस 3π 18π एंड 3π फिर से देखेंगे एक बार, हमने क्या किया, 2 × 2 = 4 = 8 2 × 2 = 4 ठीक है बेटा। 3 से कट किया, 2 से ये 2 कट किया, 2 से ये वाला 2 कट किया, ठीक है। तो पाई 3 × 3 = 9 9 × 2 = 18 18π आ गया और यहाँ से 3π आ गया, तो कितनी पाई हो गई, 21π हो गई हमारे पास, कितनी वैल्यू आ गई, 21π हो गई। अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे, 21 × कितना,
22 by 7, 7 3 जा 21, so 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी जो एयर है वो इस मॉडल में आ सकती है। ठीक है बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्या कहता है कि एक गुलाब जामुन क्या करती है, 30% उसमें क्या होता है, उसकी चाशनी होती है, शुगर सिरप। शुगर सिरप को क्या बोलते हैं बेटा, चाशनी। तो एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होती है, 30%। फाइंड अप्रोक्सीमेटली, क्या फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट करना है, जो भी हमें फाइंड आउट करना है। हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड, जो एक सिलेंडर है, जिस गुलाब जामुन की शेप कैसी है, एक सिलेंडर है और उसके दोनों तरफ क्या है, दो हेमिस्फेयर हैं एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। क्या कहता है, गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप का फिगर बनेगा। क्या कहता है कि एक सिलेंडर के दोनों एंड्स पे क्या है, हेमिस्फीयर है, तो डायमीटर तो ये है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, इसका हाफ हो जाएगा, रेडियस कितनी आ जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब टोटल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर है तो 1.4, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा इसका, और 1.4 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी डायमेंशन क्या है, 1.4 1.4, 2.8 किस में से माइनस करेंगे, 5 सेंटीमीटर में से, तो कितनी बचा, 2.2 सेंटीमीटर। तो लेंथ या हाइट किसकी आ गई, सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी, 2.2 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, 2.2 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ गुलाब जामुन वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इस कितना आया था, 2.2 सेंटीमीटर, कितना आया था, 2.2 सेंटीमीटर। गॉट इट बेटा, नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन फाइंड आउट करने के लिए, गुलाब जामुन में क्या है, एक तो सिलेंडर है और टू हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अभी पाई आर स्क्वायर एच होता है, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 πr³ होता है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, 1/3 πr² h प्लस 2/3 πr³, लेकिन कितनी थी, 2 थे, हेमिस्फीयर कितने थे, 2, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। तो अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1.3 × π 22/7 इंटू आर, वैल्यू ऑफ आर 1.4 × 1.4 इंटू वैल्यू ऑफ एच सिलेंड्रिकल पार्ट 2.2। ठीक है बेटा, प्लस
हमारे पास क्या था, टू हेमिस्फेयर थे, 2/3 इंटू वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू आर क्यूब। आर कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 1.4 की वैल्यू कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स, 1.4 3 टाइम्स। डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, ठीक है बेटा, तो अपॉन 10, यहाँ पे भी 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 अपॉन 10, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने क्या क्या यूज़ किया था बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका लगा दिया हमने, कोन का लगा दिया, 1/3, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 7 से कट करेंगे, 7 × 2 = 14। नाउ 14 × 2 = 28 × 22 × 22 अपॉन 1000 प्लस, यहाँ से भी कट करेंगे, 7 × 2 = 14 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 × 22 × 14 × 14 196 अपॉन 1000 × 3। गॉट इट बेटा। नाउ 22 × 8 = 176 6 17 carry 22 × 2 = 44 44 × 17 = 61 अपॉन × 22 upon 1000 प्लस 22 × 6 = या पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 × 6 = 48 कैरी कितना किया, 4 8 × 9 = 72 and 4 = 76 8 × 1 = 8 8 and 7 = 15 × 22 upon 3000 या 3 × 1000, ठीक है बेटा। नाउ 22 × 6 = 132 carry 13 21 × 1 = 22 22 × 1 = 22 22 and 13 35 carry 3 22 × 6 = 132 and 3 = 135 upon 1000 प्लस 15 × 22 = 176 17 carry 22 6 = 132 and 17 142 9 14 carry 22 5 = 110 and 22 5 = 110 and 14 124 12 carry 22 1 = 22 and 12 34 अपॉन 3 × 1000। अब 1000 से क्या करेंगे, कितनी जीरो है, 3 है, तो कितने डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, 3 डिजिट पहले आ जाएगा डेसिमल, तो 13.552 प्लस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 डिजिट पहले आ जाएगा, 34.496, लेकिन इसमें एक साथ में क्या है, 3 भी है, तो 3 से अभी हमें क्या करना है, डिवाइड भी करना है, तो 13.552 प्लस 3 × 1 = 3 3 × 4 = 3 4 × 2 = 12 2 × 9 = 29 3 × 9 = 27 2 × 6 = 26 3 × 8 = 24 अब 3 डेसिमल तक ही इसके फाइंड आउट करेंगे बेटा, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 2 = 10 1 carry 9 + 1 = 10 and 5 = 15
अगेन वन कैरी, फाइव प्लस फोर नाइन एंड वन टेन, अगेन वन कैरी, वन एंड वन टू, टू एंड थ्री फाइव, वन प्लस वन टू सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारी यूनिट किस में थी, सेंटीमीटर में, वॉल्यूम किस में होता है, क्यूब में, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो एक गुलाब जामुन का था बेटा, ये वॉल्यूम किसका था, वन गुलाब जामुन का। हमें कितनी, हमारे पास कितनी थी, 45 गुलाब जामुन थी, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 45 से, 0.5 × 45 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब क्या कहता है कि जो सिर्फ है वो किस कितना है, 30% है, क्या है, 30% है। तो हमें तो क्या निकालना है, शुगर सिर्फ निकालना है, सो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिर्फ कितना होगा, 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है बेटा, तो 30% निकालने के लिए 30/100 × 45 × 25.05। ठीक है बेटा, जीरो से जीरो कट किया, 3 5 15, 3 4 12 एंड 1 13 इंटू, यहाँ पे जीरो है, एक डिजिट और आगे चला जाएगा डेसिमल, 2.505। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आ गया, लेकिन उसने बोला था कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली, हमें क्या निकालना था, अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट करना था। तो क्या करेंगे, ये जो ये 175 है, अगर ये 500 से छोटे हैं तो क्या होंगे, एज इट इज़ रह जाएंगे, ये सारे क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। अगर 500 से ज़्यादा होता है तो पहले वाले डिजिट में क्या हो जाता, वन ऐड हो जाता, लेकिन अब ये क्या है, स्मॉल है, तो क्या रह जाएगा, 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। ठीक है बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज 15×10^3.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डेप्थ इन एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। क्या कहता है बेटा कि एक पेन स्टैंड है, किसका, वुड का, लकड़ी का, और वो किस टाइप का है, क्यूबॉइड टाइप का है, उसमें क्या निकाले गए हैं, 4 कॉनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं, 4 कॉनिकल क्या बनाए गए हैं, डिप्रेशन बनाए गए हैं टू होल्ड पेंस, पेन को होल्ड करने के लिए। जैसे हम इसको, ये आगे वाला पोर्शन है, ये कैसा है, कॉनिकल पार्ट है, इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्टैंड पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हमें गिवन है 15×10^3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, जो रेडियस है वो 0.5 है, और डेप्थ मींस, अब ये क्या है बेटा, इसके अंदर गया हुआ है तो ये डेप्थ हो गई, अदरवाइज हम इसको क्या यूज करते हैं, हाइट भी यूज करते हैं, ये कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो हमें क्या गिवन, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, हमें क्या गिवन थी, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड 15×10^3.5 सेंटीमीटर्स, सभी किस में है, सेंटीमीटर्स में है। ठीक है बेटा,
अब ये तो हो गई क्यूबॉइड की डायमेंशन। अब रेडियस ऑफ कोण, ये कैसे हैं, कॉनिकल डिप्रेशन है तो ये रेडियस ऑफ कोण कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर है। अभी डिप्रेशन है मीन्स निकाल लिए गए हैं, तो निकालने से क्या हो गया, इसका वॉल्यूम कम हो गया, ये निकालने से क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कितने कोण है, 4 कोण, वॉल्यूम ऑफ 4 कोण। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल बी एच माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोण, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यही होता है बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू वैल्यू ऑफ आर 0.5 इंटू 0.5 एंड वैल्यू ऑफ एच इज 1.4 डेसिमल रिमूव करने के लिए अपॉन 10। ठीक है बेटा, अब 7 टू जा 14, 2 5 जा 10, 5 से ये 5 कट, 5 टू जा 10, 2 से 2 से ये 11 पे हो गया बेटा। ठीक है, अब 10 को हम और कट नहीं करेंगे, ये 2 से कट तो हो जाएगा लेकिन फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या फ़ायदा है। और अब 15 5 इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45 एंड 7 52 माइनस 4 11 4 जा 44 अपॉन में 30, 44 अपॉन 30। ठीक है बेटा, तो अगर सीधा डेसिमल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो रिमूव हो जाएगी और 4.4 आ गया। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आप खुद फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।